नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। भारत और साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले के सीरीज का दूसरा मैच रांची में JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला गया। इस मुकाबले में भारत ने पहले अफ्रीका को बल्लेबाजी का न्योता दिया। इस दौरान मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत ने अफ्रीका को 7 विकेट से जीत दर्ज कर लिया है। अब भारत इस सीरीज में 1-1 की बराबरी कर चुका है। भारत की तरफ से शिखर धवन और शुभमन गिल ने शुरुआत किया, दोनों ही सस्ते पे आउट हो गए। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने अफ्रीकी गेंदबाजों को जमकर खबर ली। ईशान किशन ने 84 गेंदों पर 93 रन की धारदार गेंदबाजी के सामने 7 छक्के और 4 चौकों की मदद से 101 स्ट्राइक रेट से 93 रन की बेहतरीन पारी खेली। श्रेयस अय्यर उनसे कम नहीं रहे, उन्होंने भी 109 रन बनाए 110 गेंदों का सामना के 14 चौके की सहायता से। वहीं संजू सैमसन भी उनके साथ अंत तक नॉट आउट रहे। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले श्रेयस अय्यर रहे। वहीं साउथ अफ्रीका की तरफ से वॉन फर्टिन और वैनन फिलेंडर कगिसो रबाडा ने 1-1 विकेट लिए। शिखर धवन जो कि 28 रन के योग पर आउट हो गए। शुभमन गिल 48 योग के आउट हो गए। ईशान किशन का अंतिम विकेट गिरा जब भारत का स्कोर 109 रन था। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम भी बल्लेबाजी करने आई तो जानेमन मलान और क्विंटन डिकॉक दोनों ही सस्ते में आउट हो गए। उसके बाद हेंड्रिक रेजा ने भी 74 रन और हेडन मार्करम के 79 रन की मदद से हेंड्रिक क्लासन ने अंतिम ओवरों में जबरदस्त बल्लेबाजी 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 30 रन बनाए। डेविड मिलर कुछ खास नहीं कर पाए लेकिन उनकी पारी भी पार कर रही। 35 रन अंतिम ओवरों में खेलकर चले गए। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज ने 10 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट लिए। वाशिंगटन सुंदर, शहबाज अहमद, कुलदीप सरो, सालू ठाकुर को भी 1-1 विकेट मिले। इस मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करे ईशान किशन ने बेहद शानदार 93 रन जड़े, 7 छक्के और 4 चौके इसमें शामिल थे। भारत का दूसरा विकेट 28 रन के योग पर शुभमन गिल आउट हो गए। इस दौरान उन्होंने भी 5 चौके जड़े थे। गौरतलब है कि साउथ अफ्रीका से मेरे लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम का पहला झटका शिखर धवन को मिला। इस दौरान शिखर धवन ने 13 रन बनाकर आउट हो गए। भारत और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज ने 1-1 की बराबरी कर ली है। आपको बता दें कि वनडे सीरीज में भारत ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी। साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट के नुकसान पर 278 रन जोड़े। अफ्रीका को 7वां झटका कप्तान केशव महाराज के रूप में लगा।